नमस्कार किसान भाइयों, आरगी ब्रदर्स में आपका पुनः स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, यह डीपी क्रॉस का मेल मेल चिक्स है। यदि इसके डे की बात करी जाए तो आज इसको 37वां दिन हो चुका है, और इसके मोर्टिलिटी रेशो की बात करी जाए तो 37वें दिन 9 से 10 चिक्स की बस मोर्टिलिटी हुई है। बाकी सभी चिक्स तंदुरुस्त है, हेल्थी है और काफ़ी अच्छे से ग्रोथ ले रहा है। वर्तमान में गर्मी का समय है तो यहाँ ऊपर छत के ऊपर पाला हूँ। यहाँ का टेम्परेचर दोपहर के समय लगभग 40 से 41 डिग्री चला जाता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण जो बर्ड है इसकी ग्रोथ में काफ़ी असर और काफ़ी अंतर देखने को समझ में आ रहा है। जो इसका ग्रोथ परसेंटेज रहना था वह ग्रोथ परसेंटेज मिल नहीं रहा है, क्योंकि गर्मी के समय क्या रहता है, ग्रोथ बहुत ही स्लो हो जाती है। आप किसी भी प्रकार का कोई भी दाना खिलाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे हिसाब से अभी इसका वेट कम से कम 50-100 ग्राम करीब लगभग कम है, इसका वेट और ज़्यादा होना था, लेकिन गर्मी का मौसम इतना चल रहा है, गर्मी में तो आदमी ही सूख जाता है, तो फिर तो ये तो बर्ड है। जैसे अपन लोग दही ककड़ी खीरा खाना चालू कर देते हैं, वैसे ही बर्ड को भी आप चाहें तो गर्मियों के समय खीरा ककड़ी और बहुत सी चीज़ें जो ठंडाहट प्रदान करें वह चीज़ें डाल सकते हैं। और इसका गर्मियों के दिनों इसका ग्रोथ रेट रहता है, कोई बर्ड हो, चाहे सोनाली पाले हों, डीपी क्रॉस पाले हों, कड़कनाथ पाले हों, गर्मियों के दिनों ग्रोथ रेट कम जाता है। उसके बावजूद भी मैं इसको रोज़ मल्टीविटामिन कम से कम 4-5-6-7 दिन से रोज़ मल्टीविटामिन उसको ऑस्ट्रोबेट प्लस विमरॉल रोज़ दे रहा हूँ। इसमें जो टोंचने खुरौंचने की समस्या थी, कैनबलिज्म की समस्या थी, वो समस्या तो नहीं आ रही है, लेकिन इसका जो ग्रोथ परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। आप देख सकते हैं कि मुर्गे की कलगी काफ़ी अच्छी लग रही है, इसमें 90-95% मुर्गा ही मुर्गा है, और देख सकते हैं इसकी केस और कलगी काफ़ी अच्छी आ रही है। मुर्गा कभी भी हो, केस और कलगी और कलर से बिकता है। यदि इसका कलर, केस, कलगी अच्छा नहीं रहेगा तो उसका रेट अच्छा नहीं रहेगा और सेलिंग नहीं होगी। और किसानों के मन में यह सवाल आता होगा हमेशा मेरे वीडियो में, मेल मेल का ज़्यादा वीडियो रहता है। मैं हमेशा मेल मेल इसीलिए पालता हूँ किसान भाइयों, क्योंकि मेल मेल जो रहता है बट उसकी सेलिंग जल्दी हो जाती है, जो फीमेल रहता है उसकी हमारे इधर कोई डिमांड नहीं रहती है। डिमांड के हिसाब से यदि आपके इधर फीमेल की डिमांड रहे तो आप मिक्स ब्रीड पाल सकते हैं, और फीमेल फीमेल की डिमांड हो तो फीमेल फीमेल बर्ड पाल सकते हैं, लेकिन हमारे इधर मेल बर्ड की ज़्यादा डिमांड रहती है, इसीलिए मैं मेल वेल बर्ड पाला हूँ। अभी सुबह के समय एक ग्राहक आया, बोले हमको अष्टमी के लिए एक मुर्गी चाहिए काली, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने 150 रुपये के हिसाब से एक मुर्गी उसको दे दी, क्योंकि थोड़ा पहचान वाला था और अदर कस्टमर होता तो वह 200 तक में भी बिक जाती, क्योंकि पूजा पाठ के उद्देश्य से उसका रेट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और भी बिकना चाहिए था अष्टमी में, लेकिन इसमें मुर्गी बहुत ही कम है, नहीं तो मुर्गी मुर्गी रहती तो मुर्गी भी बिक जाती, लेकिन ये मैंने चिकन पर्पस के हिसाब से, बेचने के हिसाब से पाला है। इसका जो ग्राहक है मैं पहले से तैयार करके रखा हूँ, मेरे को किसको एक साथ इसको माल उठा के देना है, मेरे पास पहले से इसमें ग्राहक तैयार करके रखता हूँ कौन मेरा माल लेगा, और यह मैं आसानी से बेच दूँगा। कभी भी मुर्गी पालन करते समय हमेशा ध्यान रखें, आप उतना पालें जितनी आपकी क्षमता हो। यदि आपकी क्षमता 500 मुर्गा की बेचने की हो तो आप 400 पालें, यदि आपकी क्षमता 300 मुर्गा बेचने की हो तो आप 200 पालें। कहने का तात्पर्य है जितनी आपकी क्षमता उससे कम पालें, क्योंकि यदि क्षमता के हिसाब से आप ज़्यादा पालेंगे तो आपको फिर लास्ट में बेचने की समस्या आ जाएगी। जब बेचने की समस्या आ जाएगी तो बर्ड जब 1 kg का हो जाता है तो रोज़ वह 100 ग्राम दाना खाता है, और जैसे ही आपको बेचने में लेट होता जाता है तो वैसे ही वह दाना की खपत बढ़ती जाती है। लास्ट में जब आप गुड़ा भाग करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको हंस की लाई शून्य, जितना आपको बचना था उतना आप मुर्गा और मुर्गियों को दाना खिला चुके हैं, आपको किसी प्रकार की कोई बचत नहीं हुई। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, मुर्गा मुर्गी पालते समय कभी भी मेंटेनेंस और इतना मैनेजमेंट तगड़ा रखें, आप हमेशा सेलिंग की जो है इसकी डिमांड है उसको पहले बना लें कि हमको किसको बेचना है, क्या बेचना है और हमारा माल बिक जाएगा कि नहीं, उसके हिसाब से पालें। यदि आपके बेचने की आपके पास क्षमता नहीं है तो आप किसी प्रकार की कोई ब्रीड ना पालें, यह कटु सत्य है। यह कोई यूट्यूबर और कोई भाई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब की दुनिया में, क्योंकि सारे यूट्यूबर हैं। मैं मुर्गी का पालन करता हूँ, बेचता हूँ, सार बच्चे बेचता हूँ, सभी काम करता हूँ, कड़कनाथ के बच्चे बेचता हूँ, बत्तख के बच्चे बेचता हूँ, डीपी क्रॉस का बच्चा बेचता हूँ, सोनाली का बच्चा मेल मेल बेचता हूँ, मिक्स बेचता हूँ, हर प्रकार की ब्रीड मैं सेल करता हूँ, और यह मेरा तजुर्बा बोल रहा है। कम से कम 8-10 साल मेरे को मुर्गी पालती हूँ हो गया, तो ये मेरा तजुर्बा बोलता है। पालने को तो आदमी 1000 पाल ले, लेकिन 1000 का बहुत बड़ा मुँह रहता है।
एक बच्चा 3 केजी फीट खाएगा तो कितना फीट खाएगा, कम से कम वह 60 पैक फीट खा जाएगा। और 60 फीट बाद जब वह 3 महीने का 85 दिन का होगा तो वह एक दिन में 100 ग्राम एक बर्ड फीट खाएगा। उसके हिसाब से देखा जाए तो वह कितना एक दिन में फीट खाएगा, उस समय फिर किसान भाई की हालत ख़राब और हालत पतली हो जाती है और वह औने पौने दामों पर अपना माल बेचता है और जिसके कारण उसको घाटा रहना लग जाता है। यदि हमारे द्वारा दी गई कुछ जानकारी आपको अच्छी लगी तो आर की बीडर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद किसान भाई।